गुड मॉर्निंग एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा इलास्टिसिटी और आज हम कुछ देखेंगे स्पेशल केसेस अबाउट दी यंग्स मॉडूल्स देखो ज़रा हमारे पास में एक फार्मूला था अगर आपको याद होगा कि यंग्स मॉडुलर्स का हमने एक फार्मूला लिखा था वाई इज इक्वल्स टू सबसे पहले तो होता है इसके अंदर में फोर्स लेंथ अपॉन एरिया इन टू स्मॉल एल है ना ये चेंज इन लेंथ था अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह आ जाएगा एम जी एल अपॉन एरिया की जगह पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एल जैसे चेंज इन लेंथ हो गया अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसको स्पेशल केसेस बनाना है तो मैं इसको बना सकता हूँ कि नंबर वन पहला केस बनेगा हमारा देखो जरा अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया इफ द लेंथ इज डबल्ड अगर लेंथ डबल हो गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ देखो वाई का एक जनरल फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना ये सभी फॉर्मूले वाई के अब मुझे ये पता है कि स्ट्रेन का मीनिंग होता है देखो जरा स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है ना यही तो है अब चेंज इन लेंथ का मीनिंग क्या हुआ न्यू लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ बोले तो इनिशियल लेंथ न्यू लेंथ कितनी हुई डबल औरिजनल लेंथ एल है और यह एल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मेरा जो स्ट्रेन है वो हो गया है वन क्योंकि एल अपॉन एल हो चुका है ये ओहो अगर ये एल वाई एल हो गया तो ये हो गया आपका वन अगर आपके पास में स्ट्रेन की वैल्यू वन है तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस और वाय दोनों सेम हो चुके हैं तो फिर मैं लिख दूंगा देर फोर यंग्स मॉड्यूलस इज न्यूमरिकली इक्वल टू स्ट्रेस है ना ऐसे लिख देंगे हम इसको यंग्स मॉड्यूल्स इज न्यूमरिकली इक्वल टू स्ट्रेस तो इस पॉइंट को आपने याद रख लेना क्या यंग्स मॉड्यूलस इज न्यूमरिकली इक्वल टू स्ट्रेस विच विल डबल द लेंथ ऑफ वायर अगर आपके पास एक वायर है उसकी लेंथ एल है और अगर आपने उसकी वायर की लेंथ को एल से टू एल कर दिया तो जितना आप स्ट्रेस उसके अंदर प्रोड्यूस करते हो जितना स्ट्रेस वहाँ आएगा वही उसका यंग्स मॉड्यूल्स के बराबर होगा ये न्यूमरिकली इक्वल है ठीक है तो ये हुआ हमारा फर्स्ट केस इफ द लेंथ इज डबल चलिए देखते हैं सेकेंड केस देखो यंग्स मॉड्यूल्स का फॉर्मूला हमने लिखा था अभी फोर्स इंटू कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल तो यहाँ से स्मॉल एल का फार्मूला यानी कि इलॉन्गेशन का फार्मूला हम निकाल रहे हैं इंक्रीमेंट इन लेंथ का मतलब है इलॉन्गेशन बोले तो फोर्स इंटू कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस ओके अगर अब ये बात को सुनो अभी कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें कांस्टेंट कर दी कि जैसे कि इफ़ यंग्स मॉड्यूलस और यानी कि मटेरियल सेम हो गया और उस पर लगाया गया फोर्स सेम हो गया ठीक है ऐसे हमने कर दिया एफ एंड वाई आर कांस्टेंट अगर हमने ऐसे कर दिया अगर ये दोनों को कांस्टेंट कर दिया हमने यानी कि वाई कब सेम होगा जब मटेरियल सेम है और फोर्स मतलब कि जब लोड सेम लगाया जाए उनके ऊपर में तो ये एफ और ये वाई ये दोनों तो चले गए अब बचा कौन पाए तो कांस्टेंट ही है एल बाय आर स्क्वायर बचा तो हम ये लिख पाएंगे यहाँ पर कि जो हमारा रेशो बनेगा वो इस तरह से होगा कुछ कि देरफोर अब आपके पास में बच जाएगा कि इलॉन्गेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर है ना ऐसे हो जाएगा अब आपके पास में इलांगेशन का फॉर्मूला ये आया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो देखो आप लिख सकते हो एल टू अपॉन एल वन यानी कि न्यू इलागेशन अपॉन ओरिजिनल पहले वाली इलांगेशन इज इक्वल टू कैपिटल एल टू अपॉन एल वन इन टू इनवर्स रिलेशन है रेडियस के साथ तो ये आ जाएगा आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर ठीक है इस तरह का एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो और आप जो है तो ये बोल सकते हो कि अब एल बाय आर स्क्वायर जो होगा यहां पे आप क्या लिख सकते हो देखो ग्रेटर द रेशो कौन सा रेशो एल अपॉन आर स्क्वायर ठीक है ना ये एल बाय आर स्क्वायर ये जो रेशो दिख रहा है ना आपको इस रेशो की वैल्यू निकालनी है और इस रेशो की वैल्यू निकाल कर हम क्या कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू अब जैसा मैंने आपके पास में कई सारे ऑप्शन दिए हैं उसमें से एल बाय आर स्क्वायर जिसका ज़्यादा होगा ग्रेटर द रेशो एल बाय आर स्क्वायर ग्रेटर विल बी इलॉन्गेशन अरे समझ रहे हैं बात को ठीक है इलॉन्गेशन उतना ज़्यादा होगा ठीक है तो ये ऐसे आता है इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाता हूँ मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन भी कैसे आता है इसके ऊपर में आपको बहुत सारी जो है तो अलग अलग जो है तो लेंथ के फॉर्मूले दिए जाते हैं ठीक है और लेंथ के फॉर्मूले देने के बाद में आपको बोलता है कि कौन से वाले जोड़ी में या कौन से वाले पैर में एल्बा आर का आपको वैल्यू चेक करना पड़ता है एल्बा आर स्क्वायर का और फिर देखना पड़ता है कि इलॉन्गेशन किस में ज़्यादा होगा ठीक है इसका एक जनरल केस क्या होगा देखो जरा अगर हम लिखते हैं कि इन जनरल अगर कोई कांस्टेंट ना दिया जाए यानी कि जैसा हमने y और f को कांस्टेंट किया था ना अगर y और f कांस्टेंट नहीं है तो इन जनरल क्या हो जाएगा L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन है फोर्स लेंथ अपॉन आर स्क्वायर और यंग्स मॉड्यूल्स तो फिर अगर आप L2 टू अपॉन एल का रेशियो बनाते हो तो कैसे बनेगा देखो एल टू अपॉन L1 बराबर है एफ टू अपॉन एफ़ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनका रेशो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट बनेगा है ना तो एल टू अपॉन एल वन और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनका रेशो बनेगा आर वन अपॉन आर टू इसका स्क्वायर और यंग्स मॉड्यूलर्स भी वाई वन अपॉन वाई टू है ना ऐसे बन जाएगा तो बस ये आपको याद रखना है तो जनरल केस में आप इस तरह से रेशो बनाओगे और इन रेशो से आप जो है तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो ठीक है देखो थर्ड केस है अपना द इोंगेशन ड्यू टू ओन वेट अब ये एक वायर है जिसकी लेंथ एल हो सकती है और ये वायर जो है ये इतना थिक है या इतना लेंथी है इतना लेंथ में है कि इसके ख़ुद के वेट की वजह से कुछ इलॉन्गेशन आ जाएगा अब ये इलॉन्गेशन निकालने के दो तरीके हैं लेकिन हम जो है जैसे कि अब अब मेरे पास में जो फार्मूला होता है तो फार्मूला तो आपको अभी याद हो गया होगा ना क्या हो जाएगा फार्मूला एफ एल अपॉन पाए आर स्क्वायर इन यंग्स मॉडुलर्स है ना ऐसे हो जाएगा अब अपना केस ये है कि यहाँ पर अपन लेंथ क्या लेंगे या फिर क्या डायरेक्ट इसके अंदर में वैल्यूज पुट कर दी जा सकती है तो यस एवरेज मेथड किया जा सकता है तो यहाँ पे अभी दो तरीके हो सकते हैं इसका एलॉन्गेशन निकालने के एक होता है इंटीग्रेशन मेथड और एक होता है एवरेज मेथड यानी कि हम इंटीग्रेशन से भी इसको तो ला सकते हैं ठीक है इंटीग्रेशन करके भी ला सकते हैं हम आंसर और हम एवरेज मेथड से भी ला सकते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे अभी हम एवरेज मेथड को फॉलो कर लेंगे ये दोनों से आंसर आ सकता है तो हम क्या करते हैं एवरेज मेथड लगा लेते हैं एवरेज मेथड में क्या होगा देखो जरा हम ये बोलते हैं कि इस वायर की लेंथ का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा है ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा इसका अब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा तो इसका पूरा वेट जो होगा वो कहाँ से एक्ट कर रहा होगा यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपने ये पढ़ा होगा ना ठीक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है वेट ऑब्जेक्ट ये जो वायर है हमारा इसका मास कितना है एम तो एम जी नीचे की तरफ वेट लग रहा है लेकिन कहाँ से लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटीज यहाँ लिखते हैं अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल वेट ऑफ बॉडी एक्ट करता है ठीक है और सिमेट्रिकल बॉडीज़ जैसे होती है ना जैसे वायर हो गया और स्क्वायर हो गया ठीक है रेक्टेंगल है ट्राइंगल है तो इनके जो मीडियम्स होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम्स या इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स या उनका जोमेट्रिक सेंटर जो होता है सर्कल स्फीयर, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह होता है यानी कि सेंटर ऑफ मास मतलब वो पॉइंट ये सेंटर ऑफ मास आपको डिटेल में आएगा रोटेशनल मोशन चैप्टर के अंदर लेकिन यहाँ पे इतना बात जान लो आप कि एक बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ से उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड समझा जाता है पूरा मास ऑब्जेक्ट का उसी जगह कॉन्सेंट्रेटेड समझा जाता है अगर आप पूरी बॉडी पर एक फोर्स लगाते हो तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा आप सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स लगाओगे तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ये बात आपको डिटेल में समझेगी रोटेशनल मोशन में अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि एक सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए उसका जो सेंटर होगा जोमेट्रिकल वही पॉइंट पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास आता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आता है तो यहां से हम वेट एम एक्ट कर रहे हैं अब मैं कहूंगा कि ये जो नीचे वाला एम है ना ये हमारे आधे वायर के अंदर इलोंगेशन प्रोड्यूस करने वाला है देखो जरा इतने वायर के अंदर तो इतने वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी देखो ये वायर की लेंथ हो जाएगी एल बाय टू है ना एल बाय टू इसमें इलांगेशन प्रोड्यूस करेगा कौन ये एम करेगा तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि एम जी एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट सी जी देर फोर आप क्या लेंगे देखो इलांगेशन इज इक्वल टू फोर्स को ले लेंगे आप एम जी ओके और लेंथ को ले लेंगे आप एल बाई टू डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस। सो इट विल बिकम एल इज इक्व टू एम जी एल अपॉन टू ए वाई ठीक है ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट अपने खुद के वेट की वजह से कितना इलांगेट हुआ है अब इसके अंदर एक और चीज आ सकती है और वो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं देखो जरा वी नो दैट वी नो दैट तो लिख दिया आप लोग को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता मास um, को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कि नहीं बात सही है ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो मास को अगर मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा तो वॉट इज डेंसिटी तो डेंसिटी हो जाती है ऑब्जेक्ट की रो और उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है एरिया इंटू लेंथ है ना ऐसे हो जाता है एरिया इंटू लेंथ ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो इलोंगेशन मेरा कितना हो जाएगा देखो सो इलॉन्गेशन बिकम्स मास जो लिखा हुआ है मास की जगह पे बोन आ जाएगा देखो मास की जगह आ जाएगा रो ए एल उसके बाद एज इट इज ग्रेविटी लेंथ एज इट इज है ना? नीचे कौन है ट्वाइस ए और यंग्स मॉड्यूलस। अब यहाँ का ए यहाँ का ए कैंसिल हो गया अब आपके पास क्या बचा है लेंथ इलोंगेशन इलोंगेशन इज इक्व टू रो एल स्क्वायर रो जी एल स्क्वायर तो मैं इसको लिखूंगा रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स यंग्स मॉड्यूल्स है ना रोडी एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू टाइम्स यंग मॉड्यूल्स अब ऐसे लिखा जाएगा यह होगा पॉइंट अपना कि इलांगेशन प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स ओन लेंग ओन वेट सॉरी ओन वेट उसके ओन वेट की वजह से यह पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ एक ये फॉर्मूला और एक ये फार्मूला दोनों भी इसको बोला जाता है इलॉन्गेशन इलॉन्गेशन ड्यू टू ओन वेट है नहीं बस से ओके गुड याद रख लो इस पॉइंट को देखो नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस ये एक स्पेशल केस बहुत अच्छा केस है इसमें देखो क्या होता है थर्मल स्ट्रेस में एक्चुअली होता यह है कि एक वायर एक वायर है या सिलेंडर है रॉड है ठीक है ऐसा हो सकता है वो लेंथ एल वाली है ठीक है इसकी लेंथ कितनी है एल है एल लेंथ की रॉड पर अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड करें ठीक है अगर आपने इसको हीट दिए तो हीट देने की वजह से क्या हो जाएगा इसकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी है ना कितनी बढ़ जाएगी समझ लो वो एक्सटेंड हो जाती है ऐसे इधर भी और इधर भी अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर इलोंगेशन हो चुका है इतना तो इसको इलोंगेशन बोला जाएगा तो मतलब ये होगा डेल्टा एल अपना ये भी होगा डेल्टा एल ठीक है ना दोनों तरफ बता सकते हैं उसको या एक तरफ बताओ आप समझने के लिए तो काफ़ी है अब ये डेल्टा एल हुआ तो एक्चुअली इसमें क्या होता है मालूम है कि जब ये लेंथ बढ़ चुकी है तो इसके अंदर कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि अंदर की तरफ काम करेंगे और इनको बोला जाएगा रिस्टोरिंग फोर्सेस है ना कॉम्प्रेसिव रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स होंगे एफ क्या है ये है कॉम्प्रेसिव फोर्स ये कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है ड्यू टू एक्सटेंशन ठीक है ये एक्सटेंशन की वजह से आया इसका ही रिवर्स कैसे होगा समझो इसका ही रिवर्स ऐसे होगा कि अगर आपने जो है तो टेम्परेचर कम किया टेम्परेचर कम करने की वजह से अगर इसकी लेंथ कम हो जाती है ठीक है अगर इसकी लेंथ कम हो जाती है तो क्या होगा एक्सटेंशन का फोर्स इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा ठीक है यह ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर अब हम निकालते क्या है मालूम है यहाँ पर एक एक नई चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी और वो होगा कोइफिशंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये आपको पहले कोई पता नहीं है क्योंकि हीट सेक्शन में यह आता है लेकिन यहाँ पे आप क्योंकि आ गया है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा तो अल्फा इसको बोला जाता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका डेफिनेशन ऐसे होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर ठीक है इसको ऐसे लिखा जाता है अब मैं यहाँ पर आपको इसको प्रॉपरली डिफाइन कर देता हूं तो डेल्टा एल क्या है हमारा चेंज इन लेंग एल क्या है ओरिजिनल लेंथ डेल्टा थीठा क्या है यहाँ पर डेल्टा थीठा लिखा हुआ है यह तो है चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ठीक है तो अल्फागॉम कैसे डिफाइन करते हैं इट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस ठीक है कैसे डिफाइन करते हैं अल्फ़ा को तो हमने लिखा अल्फा इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस ठीक है अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख पाते हैं तो देखो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल निकालता हूँ तो क्या होगा देखो जरा तो डेल्टा एल अपॉन एल इसी में से निकाल लिया तो ये डेल्टा थीटा उधर चला चलाएगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इन डेल्टा थीटा है ना अल्फ़ा इन डेल्टा थीटा तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन इसको बोला जाता है थर्मल स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेन क्यों बोला गया है क्योंकि हमको पता है कि ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आया है यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हुआ उसकी वजह से एक स्ट्रेन डेवलप हुआ एंड दैट स्ट्रेन इज ये वाला है डेल्टा एल अपॉन एल क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल तो स्ट्रेन ही होता है ना लीनियर है ये लीनियर हो गई ये बात ठीक है तो ये हुआ लीनियर एक्सपेंशन थर्मल ड्यू टू यहाँ पे लिखेंगे हम ड्यू टू लीनियर एक्सपांशन लीनियर एक्सपेंशन ये लीनियर एक्सपेंशन की वजह से है बात समझो आप वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से नहीं हम कह रहे हैं इसको लीनियर एक्सपेंशन यानी कि जो लेंथ में एक्सपेंशन होता है उसको लीनियर बोला जाता है ठीक है जो एरिया में एक्सपेंशन होगा उसको एरियल एक्सपेंशन और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलेंगे हम जैसे कि क्यूब में होता है स्पेयर में होता है ठीक है उसको भी लिखेंगे अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे हम इसको यूज करने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरे पास फॉर्मूला है यंग्स मॉड्युलस इज इक्वस टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना ऐसा फॉर्मूला है मेरे पास में तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास स्ट्रेन है स्ट्रेस निकालना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि थर्मल स्ट्रेस मुझे यही निकालना है ना एक्चुअली थर्मल स्ट्रेस इट इज़ इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय थर्मल स्ट्रेन कर दूँगा मैं यहाँ पर और थर्मल स्ट्रेन तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी है ना तो वैल्यू लिख लेते हैं इसको तो थर्मल स्ट्रेस यानी कि फोर्स कॉम्प्रेसिव या मान लेते हैं कि कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा या फिर उसका एक्सपांशन वाला फोर्स होगा फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूल इन टू थर्मल स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या है देख लो यहां पे थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा यहां लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इन टू डेल्टा थीटा दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल स्ट्रेस आप यहां से थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हो और अगर कोई कहता है कि ये कॉप्रेसिव फोर्स निकाल लो तो फोर्स प्रोड्यूस कितना तो फोर्स इज इक्वल टू ए इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा है ना ये भी हो जाएगा इसको भी याद रख लेते हैं अगर सिर्फ फोर्स निकालो बोला है तो वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा निकाल लेंगे ऐसे हो जाएगा अब यहाँ पे इसी में एक पॉइंट ऐसे भी आ जाएगा कि फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन अब याद रख लो ये ये कुछ पॉइंट है ये जो आपको याद रखने हैं एज इट इज़ वॉल्यूम एक्सपेंशन जैसे देखो यहां पर वॉल्यूम बढ़ा है ना ये क्यूब का वॉल्यूम ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है आपको पहले ये वॉल्यूम था इनिशियली और अब ये फाइनल वॉल्यूम हो चुका है इसमें डॉटेड लाइन जो दिख रही है ये पहला वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम हो चुका है तो मैं ऐसे लिखता हूं कि हियर गामा गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इन डेल्टा थीटा ऐसे आ जाता है ठीक है देखो पहले वाला जो हमारा लीनियर का एक्सपेंशन का फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे क्या था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा थीटा इसमें ये गामा है गामा केस में क्या आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एन टू डेल्टा थीटा अब डेल्टा वी अपॉन वी हमको ये पता है ना अरे भाई हमको ये पता है ना डेल्टा वी अपॉन वी जो है ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन है तो इसको लिख देंगे हम गामा और डेल्टा थीटा और इसका नाम क्या रखेंगे उसका नाम रखा जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन अरे याद आया कुछ ना? है ना वॉल्यूम स्ट्रेन है ये तो वेरी गुड तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से आया देयरफॉर फिर हम ऐसे लिख पाएंगे देखो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है देखो बल्क मॉड्यूलस बल्क मॉड्यूलस के होता है ये बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी है ना ऐसे होता है डेल्टा वी बाई वी तो हम क्या कर सकते हैं ये मैग्नीट्यूड में लिखा मैंने उसको माइनस वाई कर नहीं लगाया मैंने उसको अभी तो डेल्टा वी बाई वी की जगह पे हम ये रख सकते हैं ना तो फिर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला हो जाएगा K v v के इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी के जगह पर गामा डेल्टा थीटा तो ये आगे गामा डेल्टा थीटा ठीक है तो इस तरह से आप जो है तो ये भी निकाल सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ देरफोर इसमें से आप जो तो टेम्परेचर चेंज गामा जो जो भी निकालना है वो सब निकाल सकते हो और एक स्पेशल केस याद रख लो यहाँ पर एक स्पेशल केस है जो आपको आ, काम आ सकता है कभी कभी कि जो गामा की वैल्यू होती है ना वो थ्री टाइम्स अल्फा के बराबर होती है याद रख लो देखो अगर लेंथ में एक्सपांशन हुआ तो उसको एक एक कोऑर्डिनेट हम गिनते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन को कितने कोऑर्डिनेट गिनते हैं हम तीन देयरफॉर क्या हो जाएगा तीन बार अल्फा को लिया जाएगा तो वो गामा के इक्वल हो जाता है ठीक है तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा फिर के डेल्टा पी अपॉन थ्री अल्फा डेल्टा थीटा है ना ऐसे लिखा जाएगा अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों दिया ये इसके कारण है इसके ऊपर में बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बनता है तो आप याद रख लो देखो अगर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है ऐसे लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका फॉर्मूले में अल्फा ये रहेगा डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा थीटा आपको अल्फा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अल्फा दिया जाएगा हर क्वेश्चन में अल्फा दिया जाता है तो देखो अल्फा इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है अब हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा एल बाय एल को तो हमने अल्फा डेल्टा थीटा लिख दिया यहाँ से डेल्टा थीटा चला गया तो इसको थर्मल स्ट्रेन बोला हमने थर्मल स्ट्रेन ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन अब अगर लीनियर एक्सपेंशन ना हो और लीनियर एक्सपेंशन की जगह पे ठीक है यहाँ पे हमने उसका थर्मल स्ट्रेस भी बना दिया थर्मल स्ट्रेस बोले तो y इंटू थर्मल स्ट्रेन y की वैल्यू लिखी थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू लिखी फोर्स की वैल्यू भी आ गया हमारे पास लेकिन अगर वो लीनियर एक्सपेंशन ना हुआ क्यूबिकल एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ क्यूबिकल एक्सपेंशन हुआ तो कैसे लिखेंगे गामा आएगा फिर इसमें गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी वॉल्यूम का चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू डेल्टा थीटा फिर इसमें से हमने डेल्टा वी वाई वी किया तो यहाँ से गामा डेल्टा थीटा हमको वैल्यू मिली फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया कि बल्क मॉड्यूलर्स का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो क्या होता है के डेल्टा पी अपन डेल्टा वी वाई वी यानी कि यह है आपका स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस और यह है वॉल्यूम स्ट्रेन वॉल्यूम स्ट्रेन तो ये है इसको यहाँ पुट कर दिया एक और चीज़ हमको समझ में आई कि अगर क्वेश्चन में अब देखो आप ये फार्मूला यूज़ कर लेना आप ये फार्मूला यूज कर लेना जनरली लेकिन अगर समझ लो गामा दिया हुआ नहीं है तो आप अल्फा दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में क्या करता है घुमाने के लिए वो क्या करता है ये वाली वैल्यू यूज करने लगाता है आपको लेकिन गामा देता नहीं अल्फा दे देता तो आप गामा की वैल्यू को थ्री अल्फा के बराबर पुट कर सकते हो ठीक है तो ये हो जाएगा आपका के डेल्टा पी अपन थ्री अल्फा डेल्टा थीटा ठीक है पॉइंट ये करेक्ट है आप नोट कर लीजिए ओके सो लेट मूव ऑन टू द क्वेश्चन वायर ऑफ लेंथ टू मीटर इज मेड फ्रॉम टेन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर ओके अ फोर्स एफ इज अप्लाइड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय टू मिलीमीटर अनदर वायर ऑफ लेंथ एट मीटर इज मेड फ्रॉम द सेम वॉल्यूम ऑफ कॉपर इफ द फोर्स एफ इज अप्लाइड टू इट इट्स लेंथ विल इंक्रीज बाय अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है वो कौन से हैं देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है इतना ही वॉल्यूम यूज़ करना है अगली बार जब आप लेंथ बनाओगे एट मीटर जो है ना ये भी इसी में यूज़ हुआ है तो एट मीटर पहले कितना था टू मीटर तो इतना वॉल्यूम था जब एट मीटर लोगे तो इतना ही वॉल्यूम रहेगा मतलब क्या हो जाएगा रेडियस कम हो जाएगा ना फिर तो है ना ऐसे हो जाएगा यानी कि पहले अगर देखो कुछ ऐसे हुआ होगा पहले दो मीटर का वायर था ठीक है और टेन क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम था अब एट मीटर का वायर है टेन क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम है मतलब रेडियस क्या हो गया चेंज हो गया ठीक है तो रेडियस का चेंज हमको उसमें लगाना पड़ेगा लेकिन अब उसको कैलकुलेट करते बैठेंगे तो हमारी स्टेप ज़्यादा जाएंगी तो हम क्या करने वाले हैं देखो ज़रा हम यहाँ पर एक सिंपल स्टेप लगाने वाले हैं सिंपल क्या होगा आप पहले आप ये कर सकते हो कि इंक्रीज इन लेंथ क्योंकि हमको इंक्रीज इन लेंथ निकालना है तो इंक्रीज इन लेंथ का जो हमको फॉर्मूला याद है वो लिख देने का फोर्स इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाता है एरिया ठीक है इन टू यंग्स मॉड्यूलर्स ठीक है ऐसे लिख दिया अब इसको मैं क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ लेंथ से और डिवाइड करता हूँ लेंथ से तो देखो क्या होगा नीचे एरिया इंटू लेंथ अगर मैंने ये लिखा तो मुझे ये पता है कि एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं है ना तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा फिर एल इज इक्वल टू एफ एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन टू यंग्स मॉड्यूल्स अरे कि नहीं ये वॉल्यूम बन गया ना अब ये वॉल्यूम तो अपने पास है ना अब ये कॉन्स्टेंट है ना अपने पास में वॉल्यूम इज़ कॉन्स्टेंट है ना वॉलीम इज कॉन्स्टेंट और यंग्स मॉड्यूल्स तो सेम ही रहोगा क्योंकि मटेरियल सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज यंग्स मॉड्यूल्स लगाया गया फोर्स क्योंकि इफ़ द फोर्स एफ इज अप्लाइड टू इट पहले भी फोर्स एफ अप्लाइड किया था बाद में देखो पहले भी फोर्स एफ अप्लाइड किया था और बाद में भी फोर्स एफ अप्लाइड किया तो फोर्स एफ भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है ये सब लोग कांस्टेंट हुए अगर ये तीनों कांस्टेंट हुए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल का स्क्वायर ऐसे बन गया कैपिटल एल का स्क्वायर देयरफॉर मेरा रेशो क्या बनेगा बाकी लोग को लिखने की जरूरत ही नहीं ना भाई देखो तो L2 टू बाई एल वन इज इक्वल टू कैपिटल एल टू अपॉन कैपिटल एल वन और इसका कर देंगे स्क्वायर हम ठीक है ये कर दिया मैंने तो कैपिटल L2 की वैल्यू है एट मीटर्स नीचे इसकी वैल्यू है दो मीटर और इसका कर दिया मैंने स्क्वायर ये हो गया फोर फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन है ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एल की वैल्यू है सिक्सटीन टाइम्स एल के बराबर है ना अब एल को अगर हमने जो दो मिलीमीटर mm लिखा है यानी कि L1 की वैल्यू देखो L1 वन इज इक्वल टू दो मिलीमीटर है ना ये वैल्यू है तो इसको यहाँ लगा देंगे देर फोर एल टू इज इक्व टू सिक्सटीन इन टू टू मिली मीटर है ना टू मिली मीटर तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास में थर्टी टू मिली मीटर आंसर इस कितना है थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर डी होगा ठीक है इसको थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर बोलते हैं देखो इस क्वेश्चन में भी अब अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर बाय अ सर्टन फोर्स एफ अनदर वायर ऑफ सेम मटीरियल हुज डायमीटर एंड लेंथ आर डबल टू द ओरिजिनल वायर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स देन इट्स एलोंगेशन विल बी अब देखो जो गीवन डेटा दिया है ना उसको लिख लेते हैं तो हमको गीवन है कि एक वायर को स्ट्रेच किया था आपने एफ फोर्स से 0.01 मीटर यानी कि L1 की जो वैल्यू है वो है 0.01 पॉइंट जीरो ठीक है अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल यानी यंग्स मॉड्यूलस होगा सेम कांस्टेंट लिख दो इसको डायमीटर एंड लेंथ आर डबल टू द ओरिजिनल मतलब डायमीटर मतलब देखो डायमीटर अगर मैं लिखता हूँ d2 टू इज इक्वल टू ट्वाइस डी और अगर मैं इसको R2 लिख दूं तो भी ये बराबर ही होगा ट्वाइस आर वन के क्योंकि देखो डायमीटर को हम लिख सकते हैं टू आइस आर के बराबर तो अगर मैंने इस डी टू को यहाँ पे लिखा तो टू आर टू आ जाएगा डी वन को लिखा तो यहाँ पे टू आर वन आ जाएगा टू टू गेट्स कैंसिल तो मतलब कि आप रेशो में डी और रेडियस का रेशो सेम ले सकते हो यानी कि बिल्कुल इसमें डबल का चेंज है तो इसमें भी डबल का ही चेंज होता है और लेंथ भी डबल है ये कहा है अपने को एल टू की वैल्यू है टू आइस एल वन के बराबर इतनी बात याद रख लो ठीक है तो सेम फोर्स फोर्स भी कांस्टेंट है देखो फोर्स एंड यंग्स मॉड्यूलस आर कांस्टेंट, इलोंगेशन बताना है तो अब अपने इलांगेशन का फॉर्मूला लिखते हैं इलोंगेशन एल इज इक्वल टू फोर्स एल अपॉन पाए आर स्क्वायर इनटू यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स और फोर्स जो है ये uh, कॉन्स्टेंट है तो देरफोर आप क्या लिख सकते हो जैसे कि ये कॉन्सटेंट है देर फोर एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर स्क्वायर एल बाय आर स्क्वायर है ना ऐसे एल बाय आर स्क्वायर ये ये वाला फार्मूला आ जाएगा हमारा इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमने लिखा तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी देर फोर हम लिख पाएंगे एल टू अपॉन एल वन बराबर होगा अपना एल टू अपॉन एल वन इन टू आर वन अपॉन आर टू का स्क्वायर वैल्यूज पुट करते हैं एल टू की वैल्यू कितनी है ये देखो एल टू की वैल्यू ट्वाइस एल वन के बराबर है इसको लिखेंगे ट्वाइस एल वन नीचे एल वन को एल वन ही लिखा जाएगा आर वन की वैल्यू कैसे लिखेंगे आर वन और आर टू की वैल्यू कैसे लिखेंगे आर टू की वैल्यू ट्वाइस आर टू ट्वाइस आर वन तो इसको लिख देंगे ट्वाइस आर वन और इसका स्क्वायर हो रहा है लेकिन ठीक है तो एल वन एल वन के साथ घर पे आर वन आर वन के साथ घर को बचा कौन ये टू और ये वन बाय फोर स्क्वायर हो गया ना तो यहाँ पे बचा आपके पास एल टू अपॉन एल वन इज इक्वल्स टू टू इन टू वन बाय फोर यानी कि वन बाय टू तो एल टू की वैल्यू आ गई आपकी एल वन बाय टू है ना एल वन बाय टू तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एल वन की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट जीरो वन डिवाइड बाय टू और ये आपके पास में आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट डबल ज़ीरो फाइव है ना ऐसा आ जाएगा ना ज़ीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव होगा ना ये तो ऐसा चला गया तो, तो मतलब L2 की वैल्यू है आपके पास में जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव मीटर्स ये आंसर होगा कौन सा है ऑप्शन देख लो ए नेक्स्ट इज फाइव मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर जिसका यंग्स मॉड्यूलर दिया है ऑफ डायमीटर थ्री मिलीमीटर सपोर्ट्स अ फोर्टी के ऑफ मास इन ऑर्डर टू हैव सेम इलांगेशन इन कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट डायमीटर शुड नाउ बी क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा ये सोच लेते हैं देखो पहले इलांगेशन का फॉर्मूला लिखते हैं अरे गिवन hmm. क्या क्या गिवन देखो फाइव मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर एल्यूमिनियम वायर की लेंथ है पांच मीटर ठीक है उसका यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इधर लिखेंगे एलुमिनियम इज इक्वल्स टू तो सेवन इंटू टेन रेस टू टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायमीटर है उसका तीन एम एम तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ एलुमिनियम इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर्स ओके ऐसे लिख लो पहले गिवन डेटा निकालोगे तो और हमेशा काम आएगा सपोर्ट्स ऑफ फोर्टी के ऑफ मास यानी कि इसके ऊपर जो मास लगाया जा रहा है वो फोर्टी के है अगर आपने इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया तो लोड हो जाएगा इन ऑर्डर टू हैव सेम इलॉन्गेशन इन कॉपर वायर इलोंगेशन कितना हुआ आपने बोला है क्या नहीं बोला है कॉपर वायर के अंदर जिसका यंग्स मॉड्यूल्स है तो यहाँ पे लिखेंगे यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व इन टू टेन रेज टू टेन है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम ठीक है पाँच मीटर के बराबर ऐसे हो जाएगा और वेट सेम लगाया गया ये वाला जो के जी वेट है ना ये वाला सेम लगाएगा दोनों केस में ये वाला सेम तो डायमीटर शुड नाउ बी डायमीटर शुड नाउ बी इन एम एम आपको डायमीटर निकालना है किसका कॉपर का कॉपर का डायमीटर हाउ मच तो हम क्या करेंगे इसके लिए देखो ज़रा इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको लिखना चाहिए क्योंकि एलोंगेशन सेम है ना तो एलॉन्गेशन का फॉर्मूला लिख देंगे देखो हम एलोंगेशन लिख पाएंगे एलोंगेशन होता है फोर्स इन लेंथ अपॉन पाए आर स्क्वायर इन यंग्स मॉडुलस अच्छा आर को अगर हमने डी बाई टू लिखा तो डायमीटर डिवाइड बाई टू डायमीटर का हाफ बोले तो रेडियस होता है ना तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा एल इज़ इक्वल्स टू एफ़ एल अपॉन पाए और ये डी बाई टू यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर बाय फोर इन यंग्स मॉडुलर्स यानी कि मेरे पास में एल का फॉर्मूला बन रहा है एल इज इक्वल टू फोर एफ एल फोर एफ एल डिवाइडेड बाय पाए डी स्क्वायर वाई ठीक है ऐसी इक्वेशन बन रही है मेरे पास में अब यहाँ से अगर मैं डायमीटर का और लेंथ का देखता हूँ देखो फोर्स सेम है लेंथ सेम है यंग्स मॉडुलस अलग अलग है ठीक है ऐसा हो गया ना तो फिर हम ये देख सोच सकते हैं यहाँ से एक रिलेशन मेरे को मिला कि एलोंगेशन भी सेम है तो अगर मैं लिखता हूँ कि एलोंगेशन दो इक्वेशन भी अगर लिखते हैं अपन देखो ज़रा अगर यहाँ से डायमीटर का स्क्वायर में लिखता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है फोर एफ एल अपॉन पाए एल इन टू यंग्स मॉड्यूलर्स अब देखो एफ कॉन्स्टेंट है है ना लेंथ ये भी सेम है एलोंगेशन भी सेम है यंग्स मॉड्यूलर्स अलग है सिर्फ तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से देर फोर इक्वेशन बनेगी कि डी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलर्स ऐसी इक्वेशन बनेगी या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा है ठीक है ना एलोंगेशन बोल में सेम है ना बाकी सब लोग सेम हो गए इसीलिए ये रिलेशन बचा अब ये रिलेशन बचा तो आप क्या लिखोगे देखो फिर आप यहाँ पे लिखोगे डी कॉपर अपॉन डी एलूमिनियम इसका होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा इनवर्स रिलेशन तो यहाँ पे आ जाएगा वाई ऑफ एल्यूमिनियम ऊपर और वाई ऑफ कॉपर नीचे है ना ऐसे आ जाएगा अब ऐसा लिखने के बाद अगर आपने फिर इसको लिखा अगर डी कॉपर स्क्वायर रूट निकाल दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी कॉपर अपॉन डी एल्यूमिनियम इज इक्वल रूट में चलेगा तो ये हो जाएगा वाई ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वाई ऑफ कॉपर है ना ऐसे हो जाएगा वैल्यूज़ पुट करो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में वाई ऑफ एल्यूमिनियम और वाई ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम का वाई सेवन इंटू टेन टू दावर टेन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर टेन ओके ऐसे हो जाएगा तो यहाँ से हम फाइनली लिख पाएंगे डी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इधर डी ऑफ एल्यूमिनियम देखो ये वाला डी ऑफ कॉपर में लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम का डी कितना है डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 3 एम mm, तो 3 एम mm इधर चला जाएगा तो ये 3 एम mm एम यहाँ चला गया और ये रूट के अंदर में ये टेन एस टू टेन कैंसिल हो गया आपके पास क्या बचा रूट ऑफ़ सेवन ट्वेल्व ठीक है रूट ऑफ सेवन ट्वेल्व इसको सॉल्व किया और थ्री से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में डी कॉपर की वैल्यू आती है 2.29 मिलीमीटर mm. ठीक है ये वैल्यू आती है 2.29 मिलीमीटर mm. 2.29 का मतलब ये होगा 2.3 ठीक है तो आंसर होगा हमारा सी दैट इज 2.3 पॉइंट थ्री एम आंसर निकलेगा ठीक है चलो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क देखो द डायमेंशंस इसको होमवर्क बोल देते हैं अपन द डायमेंशन ऑफ फोर वायर ऑफ सेम मटेरियल आर गिवन बिलो इन विच वायर द इंक्रीज इन लेंथ विल बी मैक्सिमम व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड मतलब सेम टेंशन अप्लाई किया है देख लो जरा तो कौन से वायर में इलांगेशन ज्यादा होगा देखो इसका अपने पास में जो थे मैंने आपको लिखा कर दिया है स्पेशल केसेस उसके अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है डायरेक्टली तो इलोंगेशन किस में ज़्यादा आपको निकालना है ये चार ऑप्शन है आपके और इसमें से आपको देना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है ये होमवर्क क्वेश्चन है डू इट चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी रॉड इज फिक्सड बिटवीन टू पॉइंट्स एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है द कोइफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब मैं यहाँ पे अगर आ, डेटा लिखना शुरू करूँ तो मैं लिख पाऊंगा कि मेरे पास में टेम्परेचर वन दिया हुआ है थीटा वन थीटा वन की वैल्यू मेरे पास कितनी है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है ना ऐसे हो जाएगा द कोईफीचर ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ फ्रॉड इज़ इन्हें अल्फा भी दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू है वन पॉइंट वन इंटू टेनरेस टू माइनस फाइव पर डिग्री सेल्सियस इसको पर डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं ठीक है एंड यंग्स मॉडुलस इज़ यंग मॉड्यूलस इज वन पॉइंट टू इंटू टेनरेस टू एलेवन ऐसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप टेनस टू टेन भी कर सकते हो उसको ट्वेल्व करके फाइंड द स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इफ़ टेम्परेचर ऑफ रॉड बिकम टेन डिग्री सेल्सियस तो थीटा टू की वैल्यू आपको दिया टेन डिग्री सेल्सियस तो आपको पूछा है कि स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड कितना होगा थर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है ठीक है थर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है थर्मल स्ट्रेस तो कैसे लिखेंगे हम इसको देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला है एफ बाई ए इज इक्व टू वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा बस इतना ही है अब डेल्टा थीटा कैसे लिखेंगे यहाँ पे मैं लिख दूँगा यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलर्स इज 12 इंटू टेन का पावर 10 है ना ऐसा भी लिख सकते ना शिफ्टिंग कर दिया तो अल्फ़ा की वैल्यू तो अल्फ़ा की वैल्यू मुझे लिखना है एलेवन इंटू टेन टू माइनस सिक्स कोई दिक्कत इसमें ये भी नहीं ठीक है ये भी करेक्ट है और डेल्टा थीटा की वैल्यू को मैं लिखूँगा ट्वेंटी माइनस टेन ठीक है टेम्परेचर का चेंज इस तरह से लिख देंगे उसको तो देखो ट्वेल्व इंटू अलेवन और वन थ्री टू इंटू टेन तो ये हो जाएगा वन थ्री टू ज़ीरो है ना इंटू टेन का पावर टेन माइनस सिक्स इज फोर फिर इसको तीन बार शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया वन पॉइंट थ्री टू इंटू टेन का पावर सेवन तो ये हो जाएगा हमारा आंसर आंसर इज़ ए ओके okay, ऐसे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि वॉल्यूम एक्सपेंशन पे डिपेंड करेगा और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन और भी देखेंगे जो कि हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर में डिपेंड करते होंगे ठीक है तब तक के लिए ये सारे प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन जितने आपको सॉल्ड एग्जांपल मिलते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सॉल्ड एग्जाम्पल सॉल्व करो और अगर कुछ समझ नहीं आती है बात तो एपिसोड नंबर क्वेश्चन नंबर या फिर टाइम के हिसाब से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो ठीक है तब तक के लिए इजाज़त दीजिए थैंक यू वेरी मच